सारिम सागमी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये सारिम को क्या हुआ? सलाम करके फौरन अपने कमरे में चला गया। आंटी वो सहरिश की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सहरिश जा रही थी तो मैंने सारिम से कहा कि हम भी जाते हैं उनका पता करने के लिए, तो बस वहीं से आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। तबीयत खराब है उनकी, क्या हुआ है? बस कुछ ज्यादा नहीं, शुगर हाई हो गई थी। आंटी मैंने फोर्स किया था सारिम को जाने के लिए, जाते हुए तो बिल्कुल ठीक था लेकिन वापसी पे बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि एक लड़की को अपनी जमानत पर इस घर में लेकर आ रही हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद कैसे चलेगा ये सब। और वैसे भी ये जो लड़कियां होती है ना, शादी के बाद इनकी तवक्कात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आंटी आपने सहरिश के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। क्यों? अच्छी लड़की है सहरिश, पढ़ी लिखी है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। आंटी सब कुछ है लेकिन सहरिश मुझे मैच्योर नहीं लगती है, और इस तरह की लड़कियां अपने शौहर से 100% प्रोटोकॉल मांगती हैं। घूमना फिरना पता नहीं ये सब कुछ सारिम कर पाएगा या नहीं। अब प्लीज माहम ये बातें करके मुझे परेशान मत करो। तुम मत हो ना परेशान, ना सारिम को परेशान करे और ना ही आने वाले की जिंदगी को। ठीक अभी तो कुछ फॉर्मल हुआ भी नहीं है, अभी भी वक्त है, प्लीज सोच लें। क्या मतलब है टाइम है? रिश्ता लेके हम लोग गए थे उनके घर, वो चल के नहीं आए थे हमारे पास। और वैसे भी मैं और तुम्हारे अंकल इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर कहीं जबान दे दी जाए ना तो उस पर कायम रहे, फिर जान चली जाए लेकिन जबान ना जाए। तो फिर ठीक है, आप खुद को आदत डाल लें सारिम को इस तरह से देखने की। अल्लाह नसीब अच्छा करे मेरी बेटी का, बहुत अच्छे अखलाक का है सारे। देखो ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो फौरन पूछने के लिए चला आया, वरना वो खुद इतना बिजी होता है कहाँ है उसके पास टाइम। और माम कितने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। बस करे मम्मी, बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। आपको पता है जब से अमेरिका से आई ना सारिम के घर में कदम जमा के बैठी हुई है, अनबिलीवेबल। वो उसका पर्सनल मैटर है सरेश, और हमारे साथ तो ठीक ही होती है ना। एक्सक्यूज मी, आपको तो वो अच्छी ही लगेगी ना, क्योंकि आपके तो बड़े गुणकारी थे, तो आपको क्या? Am I right? मामा मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। हाँ बेटा ले आओ। थैंक यू। सरिश ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? क्या मैंने क्या किया है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, अगर वो तुम्हें आगे से पलट कर जवाब नहीं देती तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना। वो तो इसलिए नहीं देती ना कहीं घर में कोई लड़ाई वड़ाई ना हो। बस मामा रहने दे, आपको भी ना भाभी की तारीफें करने के अलावा कुछ नहीं आता। मामा के सामने सारी उसकी जिम्मेदारियां बता दी आपने, और देखा था वो मुझे कैसे पिन पॉइंट कर रही थी। थोड़ी बातें तो समझा करें। हाँ तो मैंने कौन सा गलत कहा, वो मेरी खिदमत करती है। तो क्या एहसान कर रही है वो हम पे? भाई इस दुनिया में नहीं रहे, आहल को रानी पाल रही है, तो ये भी ना करे वो। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मंगनी की सब तैयारियां कंप्लीट हो गई ना? मेरी शॉपिंग हो गई है, आप अपनी फिक्र करें।